आपके व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के मैसेज मिलते हैं और आप उन मैसेज को कोरोना के खिलाफ हथियार मानकर यूज करने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो WHO ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। पहला भ्रम, मेथनॉल, इथेनॉल और ब्लीच को पीने से भी कोरोना का इलाज हो सकता है। हकीकत, ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इनका मुंह, आंख या नाक में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा भ्रम, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोरोना के वायरस खत्म हो जाते हैं। हकीकत, आप अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में भी रहे तब भी आप पर कोरोना के अटैक का उतना ही खतरा रहता है जितना 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में रहने वाले लोगों पर खतरा होता है। तीसरा भ्रम, मच्छरों और मक्खियों से कोरोना फैलता है। हकीकत, WHO के मुताबिक इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मच्छरों और मक्खियों से कोरोना फैलने का खतरा होता है। चौथा भ्रम, कोरोना वायरस से ठीक हो जाने के बाद भी ये आपकी बॉडी में होता है या कोरोना से बीमार पड़ने पर आपकी जान जा सकती है। हकीकत, ये पूरी तरह भ्रामक है। कोरोना के पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और ठीक होने के बाद कोरोना का कोई असर बॉडी पर नहीं रहता। इस तरह के भ्रामक मैसेज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में फैलाए जा रहे हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि ऐसे भ्रामक जानकारियों के चक्कर में ना पड़े। सही जानकारी भी कोरोना से बचाव का जरिया है।